नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लोजर टेक में। मैं सौरभ आज आपको गूगल 23 के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल 23 के बारे में। आपने आपके बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत सारे साइट्स या फिर बहुत सारे ऐप्स यूज़ किए होंगे, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे और भीम। तो दोस्तों आज बात करेंगे गूगल 23 के बारे में। ये भी दोस्तों एक UPI ऐप ही है। इसके अंदर अगर आपका बैंक लिस्टेड है तो आप ये ऐप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो गूगल 23 है वो गूगल ने लास्ट ही वीक लॉन्च किया है। गूगल 23 के अंदर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स और बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। बहुत ही फास्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों रिवॉर्ड्स के अंदर आपको अगर आपने किसी को रेफ़र किया है तो आपको 51 रुपीज़ का तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में चले जाएगा ये कैश। इसके अंदर कोई वॉलेट सिस्टम नहीं है, तो ये कोई वॉलेट में स्टोर नहीं होता है। आपका कैश सीधा ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने किसी को फर्स्ट टाइम कैश ट्रांसफ़र किया है तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसके अंदर आप 1000 तक के कैश जीत सकते हैं। अब दोस्तों इसकी जो रेफरल लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप वो वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको 51 रुपीज़ का कैश इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं एक एंड्रॉयड फ़ोन में। तो दोस्तों ये है OnePlus 3T। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे अभी स्क्रीन आएगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम तेज़ ऐप ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों तेज़ ऐप ओपन करेंगे आपको पूछेगा कि कौन से लैंग्वेज में यूज़ करना है। आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है, तो मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको पूछेगा कि आपका नाम और वो सब, तो कंटिन्यू करना है वो सब। और फिर आपको OTP आएगा आपके नंबर पे। तो दोस्तों OTP के लिए वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों OTP आ चुका है और वो अपने आप ही वेरीफाई हो रहा है। फ़ोन नंबर दोस्तों वेरीफाई हो चुका है। अब आपका ये स्क्रीन लॉक भी आप डाल सकते हैं या फिर गूगल का कस्टम पिन भी रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम स्क्रीन लॉक के से ही यूज़ करते हैं आगे, तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अब मैं इसका मैं फिंगरप्रिंट डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से आप आपके कैश मोड, अगर आपके बाजू में कोई बंदा खड़ा है या आप कुछ खरीदी करने जा रहे हैं तो यहाँ से दोस्तों आप सीधा कैश मोड पर क्लिक कीजिए। और वेलकम बैक टू 23 आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल करके मैं यूज़ कर रहा था, इसके लिए ये वापस ही आ रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कैश मोड के बारे में सबसे पहले। तो दोस्तों इसके अंदर आपके नियर बाय पर्सन को डायरेक्टली आप कैश पे कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो QR टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ किया है। अगर आप दोस्तों पे दबाएंगे तो ये सर्च फॉर नियर बाय पीपल आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको रिसीव में दबाएंगे तो शायद आपको ये ऑडियो सुनाई दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सुन सकते हैं कि वो एक हिस का आवाज़ आ रहा होगा आपको इसके अंदर से, तो अब फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इसका एक बार इंटरफेस हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर मुझे अब तक 153 के रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। और दोस्तों ऑफर्स के अंदर आपको ये है कि अगर आप किसी फ्रेंड को आप इनवाइट करते हैं तो 51 रुपीज़ का उसको भी रिचार्ज मिलेगा, कैश मिलेगा, और हम लोग को भी कैश मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी को कैश पे करते हैं तो भी आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, और उसको आप स्क्रैच करके 1000 रुपीज़ तक आपको कैश मिल सकता है और वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अकाउंट्स और वो सब के बारे में। तो दोस्तों अकाउंट आपके अगर कोई भी बैंक में हो तो आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर UPI रहेगा वो बैंक में तो ही आप ये यूज़ कर सकते हैं ऐप। बाकी दोस्तों एकदम सिंपल है ये, कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं ऐप में। दोस्तों अभी इसको फ़िलहाल साइड में रख देते हैं। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है ये ऐप और आप बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट या फिर कुछ भी रहेगा तो आप चैट कर सकते हैं सीधा इसके कस्टमर सर्विस के साथ, या फिर आप सीधा उसको कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती है तो। और दोस्तों अगर और कुछ भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसका सलूशन। तब तक के लिए दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दबा दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। धन्यवाद।